इंद्रगढ़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पानी की समस्या को लेकर विद्यालय के शिक्षकों ने जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता को सौंपा ज्ञापन। इंद्रगढ़ शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पानी की समस्या को लेकर शिक्षकों ने जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन व वाइस चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि वर्तमान समय में विद्यालय का समय परिवर्तन होकर 7:30 बजे से 1 बजे तक हो गया और जलदाय विभाग द्वारा सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक पानी की सप्लाई दी जाती है। ऐसे में उस समय पानी भरना संभव नहीं है। विद्यालय में कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में 108 बालकों के पीने का पानी राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत भोजन बनाने हेतु एवं अन्य दैनिक उपयोग के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय में पानी की सप्लाई 1 घंटे देने की मांग की। शिक्षकों ने बताया कि जलापूर्ति के अभाव में मुख्य कार्य बाधित होता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं आपको बता दें कि इंद्रगढ़ शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पानी की समस्या को लेकर विद्यालय के शिक्षकों ने जलदाय विभाग, नगर पालिका को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में संस्था प्रधान मिथिलेश प्रसाद, पंकज वैष्णव, मुकेश मीणा मौजूद रहे।